अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ साथ-ए-किराम, आज हमने स्टार्टर की जो आखिरी मश्क की है उसमें महसूसात है। बच्चों को मुख्तलिफ चीज़ों का एहसास दिलाना कि खुश कैसे होते हैं बच्चे, नाराज़ क्यों हो जाते हैं, रो क्यों रहे होते हैं या वो उदास क्यों होते हैं। बच्चों से इस उम्र में जब वो नए नए स्कूल में दाखिल होते हैं तो हम क्लास में उन्हें आसान करने के लिए, उन्हें ईजी करने के लिए उनसे उनकी पसंद और नापसंद के बारे में पूछें, उनकी उदासी के बारे में पूछें, उनकी पसंदीदा चीज़ों के बारे में जब हम पूछेंगे तो डेफिनेटली वो बहुत ज़्यादा खुश होकर बताएंगे। जिस वक्त हम उनकी नापसंदीदा चीज़ों का जिक्र करेंगे तो वो कुछ नाराज़ भी होंगे, कुछ गुस्से में आ जाते हैं, किन बातों पर उन्हें गुस्सा आता है ये हम पूछें, और एक दूसरे से एहसास का जिसे कहते हैं तबादला करना। हम तमाम बच्चों को मुख्तलिफ कैफियात के बारे में उनकी पूछें कि आप कब खुश होते हैं, कब आपको बहुत गुस्सा आ जाता है या आप नाराज़ हो जाते हैं, कब आप बहुत उदास हो जाते हैं और कब आप रोना शुरू कर देते हैं। ये तमाम कैफियात और महसूसात बच्चों को क्लास में एक दूसरे के साथ बाहमी बातचीत के साथ एहसास दिलाएं, और ये भी एहसास दिलाएं कि एक दूसरे के साथ जब आप मिलकर बैठेंगे, एक दूसरे का जब ख्याल रखेंगे तो फिर आप खुश रहेंगे। और नाराज़ होना, रोना या उदास होना कोई अच्छी कैफियत नहीं है। सेहतमंद बच्चा वही होता है जो आम तौर पर बहुत ज़्यादा अपने अंदर एनर्जी, ताकत और खुशी महसूस करता है। उम्मीद है कि ये वीडियोस आपके लिए मुआवन साबित हुई होंगी। हमारी नीचे दिए गए लिंक पर तमाम रिसोर्सेज मौजूद हैं जो आपको दस्तयाब होंगे और आपके लिए बहुत मुआवन साबित होंगे। इंशाल्लाह ताला अगली वीडियोस के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त।